मणिपुर जल रहा है और इंसानियत को भी जला रहा है। मैं बात कर रहा हूं 4 मई की, जहां पे एक परिवार जिसके अंदर 3 महिलाएं हैं जिनको नेकेड स्ट्रिप करके परेड कराया गया 800 से 1000 लोगों के बीच में, और 21 साल की उसी एक परिवार की लड़की जिसके साथ में पूरे मॉब ने गैंग रेप किया। गैंग रेप से बचाने के लिए उसका भाई जब आगे आया तो उस भाई को ऑन द स्पॉट मार दिया गया, साथ के साथ उनके 56 साल के पिताजी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 150 से ज्यादा लोग इस पूरी घटना के अंदर, इस वायलेंस के अंदर, इस मणिपुर जलते हुए मणिपुर के अंदर मर चुके हैं और लगभग 40,000 लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। यह इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत है जो कि 4 मई को हुई, जो कि वीडियो आज वायरल हुआ है, जिसके ऊपर पुलिस ने एक्शन लेने स्टार्ट किया है। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं और पूरे देश के जनहित के अंदर सभी से ये गुजारिश करता हूं कि ऐसी हरकतों को बिल्कुल भी तूल ना दी जाए और ऐसे वीडियोस को बिल्कुल भी एस्केलेट ना किया जाए, इससे और भी सिचुएशन बिगड़ सकती है। ऐसे कुछ लीगल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए अड्डा 24/7।